बैठ जाइए सभी लोग। तो छात्रों कल क्या हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे थे, एक न्यूमेरिकल दिया था ठीक, उसको हल कर रहे थे, क्यों न्यूमेरिकल काफी लंबा था तो कुछ चीजें उसमें बची हुई थी, और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम बताना चाहते हैं शॉर्ट में, उसको जान लीजिए पहले कि सांद्रता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता पर सांद्रताओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सी सांद्रताएं हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ चुके हैं, कौन कौन से होते हैं बहुत से हैं, सभी पर हम ताप के बारे में थोड़ा जान संक्षेप में बात करेंगे ठीक। द्रव्यमान प्रतिशत पहले क्या करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा भाई साहब, ताप वृद्धि होने पर द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऊपर भी विलेय का भी द्रव्यमान विलेय का दोनों का द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है ताप से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए ताप वृद्धि पर ताप वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव द्रव्यमान प्रतिशत ताप वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा ठीक। इसको दूसरा बात करते हैं आयतन प्रतिशत, आयतन 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 प्रतिशत, ये कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं, आयतन भी दोनों जगह ऊपर और नीचे दोनों आयतन है ठीक, विलेय और विलयन का भी आयतन है, तो ये भी वृद्धि होने पर ताप वृद्धि करने पर ये भी कोई प्रभावित नहीं होता है, तो ताप वृद्धि पर ये भी कोई प्रभाव नहीं, अर्थात ताप वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं द्रव्यमान द्रव्य मान आयतन प्रतिशत, आयतन जरा इस पर ताप का वृद्धि क्या प्रभाव पड़ेगा बता सकते हो, अब इसमें क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो ताप वृद्धि बढ़ने पर आयतन क्या होता है बढ़ता है, आयतन बढ़ता है द्रव्यमान से, तो हमने भाई ताप वृद्धि पर क्या होता है आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट कंसंट्रेशन द्रव्यमान आयतन परसेंटेज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा ताप वृद्धि पर घटता है, क्या है घटता है, कौन घटता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ताप वृद्धि पर घटेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जब आइएगा मोलरता, मोलरता इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता क्या होती है मोल प्रति लीटर, यानी विलेय की मोलों की संख्या विलेय के एक लीटर में उपस्थित होना चाहिए, इसे मोलरता कहते हैं। मोलरता पर क्या होगा अगर ताप वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, वही चीज है जो ऊपर वाला द्रव्यमान आयतन का था, आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ने पर मोलों की संख्या एक लीटर में तो कम हो जाएगी ना, फिर उसका प्रश्न है अर्थात ताप वृद्धि पर मोलरता क्या है घटती, तो यहां आप लिखेंगे ताप सेम चीज है ताप वृद्धि पर घटता है, यानी ताप वृद्धि पर मोलरता आपका घट जाएगा। नेक्स्ट पांचवा बात करिए आइए मोललता, इसे स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, और ये होता है मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के एक किलोग्राम में, एक किलोग्राम में तो दोनों जगह पर द्रव्यमान है, जो ऊपर भी समझ लीजिए मोलों की संख्या द्रव्यमान पर निर्भर करती है दोनों, तो ये क्या होगा ताप से प्रभावित नहीं होगा, अर्थात ताप वृद्धि पर कोई प्रभाव प्रभाव नहीं, अर्थात ताप वृद्धि अगर होती है तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं छठा पार्ट पर मिलियन पीपी, पार्ट पर मिलियन भी ताप, क्यों वो भी वॉल्यूम और द्रव्यमान द्रव्यमान ये सब चीजों में सब खाली एक वाला प्रभाव पड़ सकता है द्रव्यमान आयतन वाले पर जो रेशियो होता है, क्यों पीपीएम जो है तुम्हारा द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन आयतन और द्रव्यमान आयतन और नंबर नंबर, खाली द्रव्यमान और आयतन वाला जो पीपीएम है वो प्रभावित हो सकता है बाकी अन्य कोई प्रभावित नहीं होते, तो ओवरऑल क्यों संख्या बहुत मिलेगी कम होती है फिर ज्यादा प्रभावित नहीं होता, तो ये भी समझ लीजिए कि ताप वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप वृद्धि समझ लीजिए ताप वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं ठीक, ताप वृद्धि पर यह प्रभावित नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोल अंश, क्या है मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, इसे मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल प्रभाज इसे एक्स से इंडिकेट किया जाता है, और मोल प्रभाज क्या है मोलों की संख्या का एक अनुपात होता है,
विलेय या विलायक मौलों की संख्या क्या, विलयन में उपस्थित समस्त मौलों की संख्या, तो मौलों की संख्या है तो संख्या ताप से प्रभावित नहीं होगी, वो उतनी ही रहती है, अर्थात इसमें भी क्या होगा ताप वृद्धि पर वृद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ताप वृद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। आठवां बात करते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, कभी कभी ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है, समझो कि नहीं कहेंगे शरबत में चीनी की सांद्रता जो है कितने ग्राम प्रति लीटर है, तो ग्राम प्रति लीटर में अगर सांद्रता है तो फिर यहाँ आयतन आ गया है, तो आयतन ताप वृद्धि पर क्या होता है बढ़ जाएगा, तो ये सांद्रता ग्राम प्रति लीटर की क्या होगी घट जाएगी, ठीक। तो ये ताप वृद्धि पर, ताप वृद्धि पर घटती है, घटती है। तो इस तरीके से ये तुम्हारे ताप का विभिन्न सांद्रताओं पर आपको हमने प्रभाव बताया। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।